अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नगर विधायक मनीष असीजा के समर्थन में आए कई जुड़ाए श्रमिक नेता। कहा राजनीति के तहत फूंके जा रहे हैं पुतले। श्रमिक नेताओं ने जुड़ाई मजदूरों से किया निवेदन कि सभी मजदूर अपने काम पर लौटे आए। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। कुछ कारखानों में काम चल रहे थे, सारे कारखाने आज भी नहीं चल रहे हैं, तो अब लोगों को भड़काओगे। और ये साहब मनीष असीजा के कारखाने चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तो यार एक आध मुझे ही बता दो तो मैं कब्जा कर लूँ जाएगा असीजा कारखाने पर। इस प्रकार के गुमराह किया गया लोगों को, जबकि मैं ये कहता हूँ जितने सांसद अब तक हुए वर्तमान तक, जितने बरकतपुर, खंजापुर, दतौजी, ढोलपुरा, ककरू, ये सब सुखा विधानसभा आते हैं, वह रेडपुरी में ले क्या, तो मुकेश वर्मा जी का विरोध क्यों नहीं हो रहा, हालांकि वो मेरी पार्टी के हैं। बात ये नहीं है, हम मुकेश वर्मा विरोधी नहीं है, असीजा और टारगेट क्या है, यहाँ मेयर ने भी वोट लिए हैं, यहाँ पार्षदों ने भी वोट लिए हैं, यहाँ पर सांसद ने भी वोट लिया है, इनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है। एकमात्र असीजा इसको डैमेज करो, मैं राहुल यहाँ चुनाव लड़ाया गया था तो 14,000 वोट राठौर काटे थे, इसी प्रकार एक आदमी ऐसा तैयार करो डमी कैंडिडेट जो 10-12,000 संखवार वोट और काट ले, तो मनीष असीजा का जो कोर वोट बैंक है वो संखवार और राठौर है, इन दो को कम कर दो तो मनीष असीजा को धराशायी कर लेंगे। केवल यह उद्देश्य लेकर के मैं चूड़ी, मैं राधा संखवार के कमेटी में सदस्य हूँ और चूड़ी जुड़ाई सिर में हूँ। मुझे इस बात का दर्द है कि जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूंजीपति कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। 7 तारीख को जो समझौता हुआ जिसमें नगर मजिस्ट्रेट भी थे और सिंडिकेट के अधिकारी भी थे और सिंडिकेट के जो कारखानदार भी थे और लेबर कमिश्नर भी थे, बहरहाल सबके बीच में समझौता हुआ और ये मुआहदा हुआ कि साहब हमें मंजूर है। उसके बाद फिर खिलवाड़ हुआ, काम जो है 2 दिन काम चला, माल आया गया। ऐसी क्या पोजीशन रही कि समझौता होने के बाद भी सड़क पर लोग उतरे, तोड़फोड़ हो रही है, ऐसी विधायक जी के पुतले फूंके जा रहे हैं। ये पोजीशन जब बनी कि कारखानदार ये कहने लगे कि पिछली रेटों में अगर माल उठाना तो उठाओ, नहीं तो भागो, मजदूरों में एकदम रोष आ गया कि ये क्या है। फिर हम लोगों ने जो है धरना दिया, कारखानों से मिले, बहरहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। माने असीजा जी से भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो यहाँ के लेबर कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि त्यौहार का मौसम है, मौका है, शांति बनी रहे, मजदूरों को जो है न्याय मिल जाए और उनकी जो बढ़ी हुई साधना देश की जो रेटें बढ़ी हुई हैं उसको पूरा दिलाया जाए। जैसे एक पार्टी वाइज बता रहा है कि सपा के कुछ लोग कारखानेदार हैं, उन वो लोगों को भड़का रहे हैं, किसी जुड़ाई नेता को, ये राजनीति खेल है। हम मजदूरों को कोई लेना देना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारा साधना देश आया है वो हमें पूरा दिलाया। अच्छा, जिस तरह विधायक जी का पुतला फूंका जा रहा है जगह जी, जी उनकी जो है पार्टी बेसिस पे जो भी विरोधी हैं वो समझेंगे और हमारे विधायक जी समझेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद जनपद को बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, बिना दिन रात को देखे कार्य कर रहा है आम जनता के हित के लिए, मैं आपसे क्या कहूँ। आप एक पत्रकार हैं, आप दिन में 20 बार विधायक जी को ऐसे जगह पर कवर करते हैं जहां वो उन शोषित और पीड़ितों की मदद करते हैं जिनकी मदद कोई नहीं करता। उनका जनता दरबार में वो फटी चप्पल पहने महिलाएं आती हैं जिनके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। लेकिन चूंकि 2022 का चुनाव सर पर आ चुका है, राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रही है, इसी के निमित्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि समाज से आते हैं, जानबूझकर अपने धन के बल पर, अपने समाज के बल पर उन्होंने कुछ नेताओं को पैसे देकर प्रलोभन के तहत इन षड्यंत्र को अंजाम दिया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ही के कुछ पत्रकार बंधु भी षड्यंत्र में शामिल हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी इन षड्यंत्रकारियों के चेहरे आप सभी के सामने बेनकाब होंगे।